दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय सक्सेना के बीजेपी शपथ समारोह में बीजेपी के नेता और साथ ही साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन नाराज हो गए। दर्शकों को बता दें कि एलजी के कार्यक्रम से नाराज होकर हर्षवर्धन सिंह लौट गए। जी हाँ, दरअसल बताया जा रहा है कि बैठने की जगह नहीं मिलने को लेकर वो नाराज हो गए थे और यही वजह है कि हर्षवर्धन कार्यक्रम छोड़कर निकल गए। तस्वीरें भी इसकी सामने आई है नाराजगी की, देखिए। तो देखा आपने कि किस तरह से हर्षवर्धन बता रहे हैं कि पार्लियामेंट मेंबर्स तक के लिए सीट तक नहीं रखी। दरअसल मौका था दिल्ली के नवनियुक्त उपराज्यपाल विनय सक्सेना के शपथ ग्रहण समारोह का। इस बीच बीजेपी के नेता पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन वहां पर पहुंचे, लेकिन जगह नहीं मिलने से, बैठने की जगह नहीं मिलने से, सीट नहीं मिलने से वो नाराज हो गए और चले गए। ये तस्वीर उसी वक्त की हम आपको दिखा रखे हैं। एलजी के कार्यक्रम में हर्षवर्धन किस तरह से नाराज हुए, बैठने की जगह नहीं मिलने से नाराज थे। पुलकित मेरे साथ ही ज्यादा जानकारी के साथ में जुड़ रहे हैं। पुलकित, जब अगर इस तरह के कोई उच्च कार्यक्रम होते हैं, उच्च स्तरीय कार्यक्रम होते हैं, वीवीआईपी इस तरह के अगर प्रोग्राम्स होते हैं तो उसकी एक अलग व्यवस्था प्रोटोकॉल के साथ में की जाती है, लेकिन हर्षवर्धन जी की नाराजगी यहाँ पर कुछ और कहती है। देखिए, अगर इस तरीके के इंतजामों की बात की जाए तो उसमें लिखा होता है हर कुर्सी पर कि किस व्यक्ति को, किस बड़े नेता को उन्हें कहाँ बैठाया जाएगा। जब हर्षवर्धन आए थे तो वो पहली रो के अंदर बैठ गए, लेकिन उसके बाद जो इंतजाम में अधिकारी लगे थे उन्होंने इशारा करते हुए ये कहा कि आपको दूसरी रो में बैठना है। हालांकि वहां कोई चिट या कोई ऐसा इंडिकेशन नहीं था कि हर्षवर्धन की कौन सी कुर्सी होगी या जो भी लोग आ रहे हैं, अधिकारी या नेता जो भी आ रहे हैं, उनकी कुर्सी कौन सी होगी। तो उसके बाद हर्षवर्धन को ये बात अच्छी नहीं लगी और वो तुरंत वहां से उठ के चले गए। उनके जाने के करीब आधे घंटे बाद प्रोग्राम शुरू हुआ था, लेकिन जिस तरीके का व्यवहार हर्षवर्धन को ये कहते हुए किया गया कि आपकी कुर्सी पीछे है, दूसरी रो के अंदर है, पहली रो के अंदर नहीं है, तो वो बात डॉक्टर हर्षवर्धन को अच्छी नहीं लगी। दिल्ली के पुराने नेता हैं, इस बात से वो नाराज होते हुए चले गए। उन्होंने बकायदा इस बात का जिक्र भी चलते चलते किया कि वो की इंतजाम ठीक नहीं है, बैठने का इंतजाम ठीक नहीं है और इसलिए वो यहाँ से जा रहे हैं। इस तरीके की बाइट भी उन्होंने चलते चलते दी। जी ठीक है पुलकित, जानकारी के लिए आपका शुक्रिया। तो दूसरी लाइन में कुर्सी होने की वजह से भी यहाँ पर एक नाराजगी कही जा सकती है, लेकिन हर्षवर्धन सिंह यहाँ पर बेहद नाराज यहाँ पर देखने को मिले।